निकाय चुनाव में मिली बेहतर सफलता से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी 24 तारीख से प्रदेश कार्य समिति की बैठक करने जा रही है। यह बैठक पंचमढ़ी में होगी, जहां 3 दिनी प्रशिक्षण शिविर भी होगा, जिसके जरिए नए संकल्प लेकर पार्टी अगले विधानसभा चुनाव पर फोकस करेगी। उधर कांग्रेस की तिरंगा यात्रा के दौरान खाने पीने की चीजों पर GST लगाए जाने का विरोध किया जा रहा है। विधायक PC शर्मा की माने तो इन चीजों से GST हटाने पर ही तिरंगा यात्रा के मायने पूरे होते हैं। इसके अलावा थानों की साथ सज्जा के लिए हुई प्रतियोगिता में परिणाम घोषित कर दिए गए। तो उधर कांग्रेस पार्षद दल ने नगर निगम पालिका अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मेरिन काउंसिल की घोषणा की मांग की। इसके लिए ज्ञापन संभाग कार्यालय सौंपा गया। इसके अलावा लगातार बारिश से पुराने शहर की सड़कें उखड़ गई हैं। इसके चलते कई वार्डों में स्कूल बस और वैन आने से इनकार कर दिया। इसके विरोध में एक प्रदर्शन हुआ, जिसमें मांग की गई कि पुराने शहर की सड़कों को तुरंत निर्माण कराया जाए। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव मिली बम्पर सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक करने जा रही है। यह बैठक 24 से 26 के बीच पंचमढ़ी में होगी। इस दौरान कई पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी होगा। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने इस मौके पर कहा कि वे प्रदेश में होने वाले चुनाव को देखते हुए इस कार्य समिति में कोई नए संकल्प लेंगे। नगर परिषद के चुनाव में भी हम 50% के लगभग हमें वोट शेयर मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, संगठन तंत्र की मजबूती और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जनता का अथाह विश्वास, माननीय मुख्यमंत्री के प्रति हमारी योजनाओं के प्रति जनता का जो विश्वास है, इस आधार पर इन सारी बातों की समीक्षा हमने की। और आगामी समय में अब हम सब लोग मिलकर के आगामी आने वाली हमारी प्रदेश की कार्य समिति और हमारा जो प्रदेश का प्रशिक्षण है 24, 25, 26 को पचमढ़ी के अंदर होगा। पचमढ़ी में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की छोटी कार्य समिति होगी और हमारे प्रदेश का प्रशिक्षण 3 दिन का ये पचमढ़ी के अंदर प्रदेश के सभी जो प्रदेश के अपेक्षित लोग हैं उनका प्रशिक्षण भी हमारा होगा। और साथ में ही इस कार्य समिति में जो हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ ग्रामीण नगर निकाय के चुनाव जीते हैं, उन पर चुनाव जीते हैं, उन पर एक रेजोल्यूशन लाएंगे। साथ में ही हमारे प्रदेश का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, इस पर भी एक रेजोल्यूशन हम लेकर के आएंगे। उसकी भी तैयारी हमारी महामंत्री बैठक के अंदर हुई है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के पर्व को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर अपनाया है, इसका उत्साह के साथ मनाया। इसलिए मैं सबको बहुत इस बात के लिए बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उधर कांग्रेस की तिरंगा यात्रा में अमृत महोत्सव के साथ साथ महंगाई भी एक मुद्दा है। पूर्व मंत्री और विधायक PC शर्मा की माने तो तिरंगा यात्रा के असली मायने यही है कि देश में महंगाई कम हो और आमजन को रोजगार मिले। PC शर्मा ने कहा कि खाने पीने की चीजों से टैक्स हटा नहीं, असली मायने में तिरंगा यात्रा है। 9 अक्टूबर 1942 को महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसके बाद से लगातार आंदोलन और जेल भरो आंदोलन शुरू हुए। कांग्रेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व में लाखों लोग जेल गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या कई शहीद हो गए। 9 अगस्त की यात्रा का मतलब है कि उन शहीदों को याद करना और तिरंगे के सम्मान में यात्रा निकालना, क्योंकि ये 75वीं वर्षगांठ हमने स्वतंत्रता दिवस की अभी मनाई, 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 2022। और तिरंगे का सम्मान जब ही रह सकता है जब महंगाई कम होगी, डीजल पेट्रोल रसोई गैस के भाव कम हो, आटा दाल पे GST खत्म हो, दूध पे GST खत्म हो और केवल चावल मिल रहा है कंट्रोल की दुकान पर, गेहूं भी मिले, ये लड़ाई भी है, बेरोजगारी भी खत्म हो, इन मुद्दों ये जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक तिरंगे का सम्मान नहीं रह पाएगा। इसलिए हम तिरंगे के सम्मान के साथ इन चीजों को जोड़ के पदयात्रा निकालना है। नगर पालिका अधिनियम के तहत अध्यक्ष चुनाव होने के 7 दिनों के अंदर मेयर इन काउंसिल का गठन होना अनिवार्य है, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी MIC की अभी तक घोषणा नहीं हुई। तो विपक्ष ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए ज्ञापन अपर आयुक्त उषा परमार को सौंपा, जिसमें कहा गया कि अध्यक्ष चुनाव के 1 सप्ताह में मेयर इन काउंसिल का गठन अनिवार्य है। ऐसे में एक पखवाड़े में बैठक बुलाने की भी परंपरा है, लेकिन इसकी अनदेखी न हो इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए। हाँ जी, हम लोग ज्ञापन देने आए थे यहाँ पर कमिश्नर साहब को, चूँकि इन लोगों की जो शपथ हुई थी अध्यक्ष की, अध्यक्ष का निर्वाचन 8 अगस्त को हो चुका था और इनको नगर निगम अधिनियम के तहत 7 दिन के भीतर MIC का गठन करना था, इन्होंने नहीं किया, तो ये सरासर सारे कानूनों को तोड़कर उसका उल्लंघन कर रहे हैं, नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। और ना ही ये नगर निगम और मेयर एंड काउंसलर, ये सारे लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो हम लोग ज्ञापन देने आए थे, इनको अगर निगम चलानी है तो इनको सही तरीके से सारे MIC मेंबर का अब तक गठन कर देना चाहिए था और 15 दिन के अंदर इनको मीटिंग बुलाना चाहिए था भोपाल शहर के अंदर।
इतनी परेशानियां हो रही हैं और ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हर चीज़ में डिले कर रहे हैं, ये सारे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो ऐसे कैसे परिषद चलेगी? भोपाल शहर की जनता ने इनको चुना है तो इनको सारा मान सम्मान कानून का रखना चाहिए, यही हम इसलिए ज्ञापन देने आए हैं। उधर अमृत महोत्सव के दौरान राजधानी के थानों में एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया, 3 कैटेगरी जिसमें थानों की साज सज्जा, थाने की गतिविधियां और सामुदायिक पुलिसिंग को शामिल किया गया था। इस दौरान साज सज्जा में मिश्रो द्वारा रहे थाने को पहला पुरस्कार मिला है, तो वहीं गतिविधियों के लिए बाग सेवनिया थाने ने बाजी मारी। इसी तरह सामुदायिक पुलिसिंग के लिए जहांगीराबाद थाना अव्वल आया। एडिशनल CP सचिन अतुलकर ने बताया कि अन्य कैटेगरी में भी थानों को पुरस्कृत किया गया। भोपाल नगरी पुलिस द्वारा ये जो पूरा तिरंगा अभियान है, इस दौरान सभी थाना क्षेत्रों में अलग अलग गतिविधियों के लिए पुरस्कृत किया गया है, जिसमें 3 श्रेणियां मुख्यतः रखी थी, जिसमें एक साज सज्जा को लेकर जो थाने पर जिस प्रकार से पूरी थीम के अनुसार उसको डेकोरेट किया गया है, दूसरा जो गतिविधियां थाना क्षेत्र में की गई हैं उन पे, और तीसरा जो सामुदायिक पुलिसिंग में जिन थानों ने अच्छा कार्य किया है। तो इन तीनों श्रेणियों के जो है टीम ने इसके पुरस्कारों का जो है प्रैक्टिकली जाकर फील्ड में जाकर अवलोकन किया है, और वो रिजल्ट में जो साज सज्जा में प्रथम है उसमें मिसरोद और अरेरा हिल थाने आए हैं, गतिविधियों में बाग सेवनिया थाना को प्रथम स्थान मिला है, और सामुदायिक पुलिसिंग में जहांगीराबाद को मिला है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के और विशेष पुरस्कार भी अन्य थाना क्षेत्रों को दिए हैं, और जिन भी थाना क्षेत्रों को इसमें पुरस्कृत किया गया उनके सभी कर्मचारियों को और प्रभारी अधिकारी को यहां से कमिश्नर कार्यालय से भी जो है प्रशंसा पत्र दिया गया। लगातार बारिश से पुराने शहर के कई सड़कों के अलावा गलियों की सड़कें भी उखड़ गई है, ऐसे में कई हिस्सों में स्कूल बस और वैन ने आने से इनकार कर दिया है। लिहाजा गुस्सा लोगों ने 17 अगस्त को प्रदर्शन कर सरकार और स्थानीय विधायक को जमकर कोसा। इस प्रदर्शन में शामिल पूर्व विधायक बेवालाल कर्ण जी ने कहा कि सरकार और स्थानीय विधायक सड़क निर्माण में सहयोग करें, तभी यहाँ के बच्चे स्कूल पढ़ने जा पाएंगे। देखिए, ये जनहित का काम है, और मेरा बचपना बीत गया, कई वर्षों से मैंने देखा है कि यहाँ का सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार यहाँ की सड़कें खराब है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आज बच्चों के कहने पर मुझे सड़क पर उतरना पड़ा है। बच्चों की माताएं बहनों का कहना है कि हमारे बच्चों को स्कूल बस वालों ने मना कर दिया, ऑटो वालों ने मना कर दिया, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। आप बच्चों के हाथ में देखिए, बोल रहे विधायक जी से विधायक जी तक से बोल रहे हैं कि हमारा रोड बनवाइए, है ना। माननीय विधायक जी से भी मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा सा अपना थोड़ा देखें, विधानसभा के अंदर घूमें, और सड़कें इतनी ख़राब है कि आए दिन यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो मेरा सरकार से और माननीय विधायक उत्तर विधानसभा के आरिफ वकील साहब से निवेदन है कि जल्द से जल्द रोडों का निर्माण कराएं।